संसदर शीतकालीन अधिवेशनरे 70 घंटिया कार्य सप्ताह विषयरे आलोचना होइथिला। इन्फोसिस सह प्रतिष्ठाता नारायण मूर्ति एहि वितर्ककु आरंभ करथिले। उत्तररे श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रमंत्री रामेश्वर तेली ए बाबदरे कहिछन्ति जे सरकार वर्तमान एभली कौनसी प्रस्ताव उपरे विचार की आलोचना करूनांति। संसदर एहि शीतकालीन अधिवेशनरे कांग्रेसर कोमटी भेंकडा रेड्डी, भारत राष्ट्र समिति बा बीआरएस एमपीक समेत श्रीनिवास रेड्डी एवं वाईएसआर कांग्रेसर कन्नुमुरु रघुराम कृष्णराजु श्रम और निजुक्ति मंत्रालय को सरकार सप्ताह को 70 घंटिया काम पाई नारायण मूर्ति को परामर्श रे कार्य करिवे एवं एहा उपरे सरकार विचार करछन्ति कि एभली किछि प्रश्न उठाइथि जहार जवाब रखिथिले केन्द्र राष्ट्रमंत्री। सूचना अनुसार 77 वर्षीय नारायण मूर्ति भारतीय युवक मानू परामर्श देछंती जे सेमाने सप्ताह रे 70 घंटा काम करबा उचित जहाद्वारा भारतर सामग्रिक उत्पादन वृद्धि पाइब। पूर्वतन इन्फोसिस सीईओ मोहनदास पायंक सह कथाबार्ता बेले से एहाको पोस्टकार्ड रे कहिथिले। से कहिथिले जे भारत हेउछि विश्वरे सर्वनिम्न उत्पादनक्षम देश जेकि चाइना भली देश सह प्रतिद्वंदिता करिबाकु चाहुछि। मूर्तिंक कहिबा अनुसारै द्वितीय विश्वयुद्ध परे जापान एवं जर्मनी जेपरि भाबरे अतिरिक्त परिश्रम करिथिले भारत मध्य सेपरि परिश्रम करिबा निहाति आवश्यक। नारायण मूर्तिंक एही परामर्श विषयरे साधारण लोक एवं बुद्धिजीवी माने इंटरनेटरे दुइटि दलरे भाग होइ निज निजर मत देथिले। किछि लोकंक मत ताक सह सहमत होइथिले एवं किछि सहमत होइनथिले। ओलार प्रतिष्ठाता भवि अग्रवाल भी मूर्ति बृत्ति सहमत होते किंतु कांग्रेस एमपी शशि थरूर यार विपरीत बृत्ति देते। प्रस्ताव को नहीं माइक्रोसॉफ्टर सहप्रतिष्ठाता बिल गेट्स एक भिन्न वितर्क आरंभ करते। से कहते सप्ताह मात्र 3 दिन काम करवा उचित। एक कथा को आग को नहीं थरूर कही जदि नारायण मूर्ति और बिल गेट्स शब्द ग्रहण करे एक नूतन समीकरण आरंभ हो जहाँ हूँ गोटे सप्ताह कार्य दिवस संख्या वर्तमान 5 दिन होगा उचित। ब्यूरो रिपोर्ट खबर ओडिशा।